अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सिस्टर ब्रदर, की हाल है सारे दा? ठीक हो तो मेरे अल पास हो तो सारे ने ईद मुबारक। ते मैं सुबह फजर पढ़ी है ते हुन फिर सो गया अस, ते हुन दोबारा उठे हैं ते हुन कपड़े शपड़े चेंज करते हैं, गंदे हुए हैं ते जल्दी जल्दी चेंज करते हैं, टाइम भी हो गया ते फिर चलते हैं ईद की नमाज पढ़न। ठीक है, तुहान अपने कोठे तो पूरे मलकवाल का व्यू कराना, इन्ना सोहना मौसम बने, इन्ना सोहने बदल बने आ, सारा तुहान तक आना। ठीक है, वीडियो के नाल रहो तो वीडियो में असं करते हैं स्टार्ट, तो चैनल तो नवे हो तो चैनल लाजमी सबसक्राइब करना, वीडियो करते हैं स्टार्ट। बज के 15 मिनट हो चुके हैं और 7:30 बजे ईद की नमाज़ होनी है। तो ईद की नमाज़ पढ़ने का एक असूल है कि आप वैसे मस्जिद जाते हो एक ही रास्ते से जाते हो ना, तो ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं जब तो रास्ता चेंज करके जाते हैं, तो बस टाइम हो गया, बस ये कंघी शंघी रह गई है और कपड़े आपके भाई ने पहन लिए हैं और खेड़ी और शूज़ पड़े हुए हैं, उनमें से आके मैं सेलेक्ट करूँगा कि मैं खेड़ी पहनूँगा या शूज़ पहनूँगा। तो फिर उसके बाद जैसे आउटिंग का प्लान बना तो हम सारे दोस्त वगैरह सारे जाएंगे। तो अभी हम सबसे पहले जाते हैं ईद की नमाज़ पढ़ने। तो ईद की नमाज़ पढ़ के आके आप सबको ईद मुबारक भी कहना है, तो पहले नहीं ना कह देना फिर मज़ा नहीं आएगा। तो अभी हम थोड़ा सा तैयार होने वाले रहते हैं, तो जल्दी से तैयार होते हैं तो फिर उसके बाद हम ईद की नमाज़ पढ़ने चलते हैं। भाई रेडी हो चुका है और अब हम जल्दी से चलते हैं ईद की नमाज पढ़ने। ईद मुबारक टू एवरीवन। इसके बाद दोस्त यार कज़न एक दूसरे को ईद मुबारक मिले और फिर हम अपने घर की तरफ रवाना हो गए। फिर मैंने सोचा कि वहाँ पे खड़े होके कुछ शॉर्ट ही बना लिए जाए, तो शॉर्ट आप देख लें। आज का व्लॉग मैं अद्धा पंजाबी विच बनाया तो अद्धा उर्दू विच बनाया है। तो असी ईद की नमाज़ पढ़ के घर पहुँच चुके हैं, तो महल्लेदारां नाल असी ईद मिल चुके हैं, अले चलें अपने चाचू के घर, तो उत्थे जाके भी ईद मिलते हैं।